Hey guys, anyone want to take a special drink? This? You want to take? Yes. Of course. Half or little? Maybe little less. This is a special drink of Isabgol Bhusha. You know? Isabgol Bhusha. I don't know. In Arab language. Please explain. Isabgol Bhusha is small amount of bread travel and beer. जिसका हमेशा पेट खराब हो उसके लिए डॉक्टर चड्डा। हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमवी चड्डा। और आज के इस छोटे से व्लॉग में ये ईद का एंजॉयमेंट है और माशाल्लाह ये देखें मटन कबाब हमारे शमशीर भाई मटन कबाब का आज प्रोग्राम है और यहाँ पे हमारा ये फार्म हाउस छोटा सा। और ईद की छुट्टियों में जब भी मतलब छुट्टी होता है तो यहाँ पे हम लोगों का आना होता है। और ये घास देखें कितना ज़बरदस्त घास है, बहुत ही मोटा घास है और यहाँ पे बड़ा मज़ा आता है। और सुबह के टाइम में जो फजर के टाइम में जो मॉर्निंग टाइम होता है 5 बजे का, उस टाइम में यहाँ पे बहुत ही मज़ा आता है। और ये देखें कबाब और ये कालीन बिछाते हुए हमारे चाचा। और ये देखें घास पे मैं चल रहा हूँ, मज़ा आ रहा है माशाल्लाह, ज़बरदस्त फीलिंग। ये देखें रात का मौसम है गाइज। और ये जो है सऊदी अरबिया का गांव है, है ना। हमने इंडिया में बहुत सारे गांव देखे हैं, पाकिस्तान में हमारा गांव से बहुत ताल्लुक़ है और इंडिया और पाकिस्तान जो है वो मेजॉरिटी जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है। लेकिन सऊदी अरबिया जैसे कंट्रीज़ में, यूरोप कंट्रीज़ में गाँव का दिखना, गाँव में जाना एक बहुत ही खुशनुमा सा फीलिंग आता है, बहुत ही अच्छा फील होता है। और यहाँ पर हमारी सारी टीम पहुँची हुई है माशाल्लाह। ये हमारे वसीम भाई फुटबॉल में अभी हवा भरेंगे, इसके बाद जो है फुटबॉल सेशन चलेगा। यहाँ पे देखें फुटबॉल का ग्राउंड है, ये देखें यहाँ पे हम लोग फुटबॉल खेलेंगे। और ये माशाल्लाह कालीन बिछ गया है हमारे शमशीर भाई आज के मेन कुक। ये जो प्लान था गाइस कबाब बनाने का, बिहारी कबाब, ये मटन का कबाब हम लोग बना जाली। यार एक दिन कबाब बना रहे हैं आप और एकदम हुक्म जना रहे हैं जाली लाओ, ये लाओ, वो लाओ, ये क्या तरीका है भाई। ये हमारे शमशीर भाई बहुत ही फॉर्म में, ये देखें कबाब माशाल्लाह, ये सीख में कबाब हमारे। और आज के इस डिश में शमशीर भाई का हेल्प करेंगे हमारे जका बाबू। और ये देखिए बिलाल भाई जो है एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस किस तरीके से पुशअप पुल अप, पुशअप पुल अप, पुशअप पुल अप। ये भाई हमारे माता गाड़ी हो रहे फुटबॉल के लिए, बॉल बहुत ही बेहतरीन फुटबॉल है। एक एक हमारी गाड़ी यहाँ पे, एक गाड़ी अभी बाहर में है। और ये देखिए, अरे वाह, अच्छा अच्छा बाहर। ये हमारे नौशाद भाई हाफ पैंट में आ गए हैं, मैं भी हाफ पैंट में हूँ, दिखाऊंगा बाद में कि मेरा हाफ पैंट कैसा है, मेरा हुलिया कैसा है, वो भी दिखाऊंगा आपको। और हमारे असली असली के असली। और ये हमारे शमशीर भाई और ये ईटा जुगाड़ करते हुए। ये एक छोटा सा व्लॉग बनाने का एक यही मकसद है गाइस के काम के साथ साथ एंजॉयमेंट बहुत ज़रूरी है, चूँकि आपका रिफ्रेशमेंट, ये देखिए काम के साथ साथ माइंड को रिफ्रेश करते रहना बहुत ज़रूरी होता है। ओ भाई इधर शमशीर भाई गुस्सा हो जाएंगे, इधर कबाब बना रहे हो, उधर तुम लोग खेल रहे हो यार, पानी तो खेलेंगे ना, उधर जाओ ना अपने फुटबॉल ग्राउंड में। ए भाई फुटबॉल ग्राउंड में जाओ ना, चप्पल उतार दो, घास पे चलो पैदल, फायदा क्या घास पे चलने का। गाइस अगर आपको लगता है कोई भी फीडबैक देना चाहिए, कोई भी कमेंट्स करना चाहिए तो प्लीज आप दे सकते हैं, चूंकि ये जो हमारा चैनल है गाइस ये एक्चुअली में एमईपी अड्डा है ना, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग से रिलेटेड यहाँ पे वीडियोस डाले जाते हैं और आपसे भी कुछ हम सीखते हैं और जो हमको लगता है आपको बताना वो हम आपको बताते हैं। तो शेयरिंग ऑफ थॉट्स होता है यहाँ पे, है ना। मैं चाहता हूँ कि भाई शेयरिंग ऑफ थॉट्स हो, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स जहाँ पर होता है वहाँ पर बहुत सारी इम्प्रूवमेंट आती है। कुछ अगर मुझे मालूम है तो हम आपको बताएं, अगर आपको कुछ मालूम है तो आप मुझे बताएं। और यहाँ पे कोई गंदा कमेंट्स ना करें, अगर आपको लगता है, ये देखें एक गोल हो चुका है एक गोल हो चुका है। और यहाँ पे कोई भी गंदा कमेंट्स करने का ज़रूरत नहीं है, अगर आपको लगता है कुछ फीडबैक देना तो पॉजिटिवली आप जो है कमेंट्स में बता सकते हैं। ये देखें गाइस ये यहाँ पे पानी का भी कोई, ये गांव यहाँ पर जो गांव है बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे नज़ारा है और सुबह के टाइम में और शाम के टाइम में बहुत ही अच्छा लगता है। अभी हम लोग जो है सिटी से आए हैं तो सिटी में तकरीबन 40+ टेम्परेचर था और यहाँ पे अभी जो टेम्परेचर है यहाँ पर का 24-25, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे। और फुटबॉल में हवा भरते, ये देखें आपको यहाँ के गाँव का बाहर का सड़क मैं दिखा रहा हूँ,
कि बाहर का सड़क कैसा है। पक्का नहीं है, कच्चा है। ये देखें, बिल्कुल अंधेरा, कोई लाइट्स नहीं, बिल्कुल ऐसा, मतलब अपने थोड़ा थोड़ा इंडिया वाला फीलिंग आ रहा है। थोड़ा नहीं, बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि हम लोग रहते हैं दमाम में, खबर में, वहाँ पर पूरा सिटी है और फुल लाइट्स। हमारे माता इनका भी चलती यही ब्रेकअप हुआ है। अच्छा, तो कोई टिप्स है इनके लिए? टिप्स क्या है, बस गांव में आए हो, एंजॉय करो, अपने मन को शांत करो, आवाज पे एंजॉय करो दोस्तों के साथ और इसके पीछे में जो है स्विमिंग पूल है, वहाँ पे अभी नहाएंगे, लेकिन इस टाइम रात के टाइम में पानी बहुत ठंडा होगा। गेट को बंद कर दो हमाद, गेट को बंद। और ये हमारे शफीक चाचा फुटबॉल में हवा भरते हुए टिप्स दे रहे हैं। ये हमारे एज अ कोच यहाँ पे फुटबॉल जब अभी हम लोग खेलेंगे तो एज अ कोच ही हमें गाइड करेंगे। हमारे शमशीर भाई का जो ये हेडफोन जो आप देख रहे हैं बोट का, ये एक्सचेंज किया हुआ है। इनका एयरपोर्ट इनका एयरपोर्ट था, वो एयरपोर्ट मैंने ले लिया और ये कहावत है बिहार की। चलो चलो चलो, हुतिया बने हुतिया। बिहार के कहावत है, तू फोटो ले, जब तक धुर जिंदा है सियाना भूखा नहीं मर सकता। ये क्या बोल रहे हैं, एक बार फिर से? बिहार के कहावत है जी, जब तक धूप जिंदा है। अबे हम थक गए, हवा भरते भरते नहीं मर सकता, फुटबॉल लीकेज है। हाँ, फिर से जब तक धूर जिंदा है। हाँ, सिटी में जो है कुत्ता देखने को नहीं मिलता है, वहाँ पे कुत्ता बहुत सारे भूक रहे हैं। और यहाँ पे घास में चलने का जो मज़ा है गाइस, बहुत ही प्यारा फीलिंग है, माशाल्लाह। अभी हमारे नौशाद भाई क्रिकेट में भी महारथी हैं और फुटबॉल में भी महारत हासिल है। और ये धीरे धीरे कुछ बोलते हुए हमारे जका बाबू फुसफुसाते हुए, लेकिन क्या मैटर है वो आई डोंट नो। भाई क्या फुसफुसा रहे थे भाई? फुसफुसा यही रहे थे कि इस बार हुतिया बने। अच्छा, मतलब व्लॉग्स में आपको रेसिपी भी बताते चलेंगे कि भाई इसमें क्या बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, इसमें क्या क्या मिलाए हैं, तो हमारे शमशीर भाई बताएंगे। ये देखिए, ये पहला नहीं, ऑलरेडी यहाँ पे तीन रेडी है, बस कोयला भी हम लोग मतलब जलाएंगे, उसके बाद इसको भुनना है, और ये चौथा भी रेडी हो रहा है। तो शमशीर भाई, इसमें ये क्या मतलब, इसका प्लान कैसे बना और इसमें कैसे कैसे बना रहे हैं, प्लीज हमारे व्यूअर्स को बताएंगे प्लीज। चाचा वो बुला लीजिएगा हेल्प के लिए, थोड़ा कष्ट है। जी, ये मटन कबाब बना रहे हैं, मटन बिहारी कबाब है ना, बिहार का ये बहुत ही फेमस तो है नहीं, मैं पहली बार सुन रहा हूँ, लेकिन मतलब बिहार से हूँ, लेकिन मेरे को लग रहा है कि आप नया कोई नया डिश लॉन्च कर रहे हैं आप। ये देखें, तो इसमें क्या क्या मतलब कैसे प्लान कैसे बना, कौन से सिटी से आए आप? अरे यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, कौन से सिटी से आए? दमाम खबर से आए, और इधर ये गाँव में फार्म हाउस में, ये देखें फार्म हाउस हमारा, इधर हमारे सारे गाइस। रोटी बनी ठिकरी, रोटी वाली रोटी बनी हो, रोटी बनी हो दादा, रोटी 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 खुद बना। तोहरा के जो तोहार लोग के जो मन करी वो बनावा, तोहार लोग के जो मन करी वो बनावा। और बिलाल भाई ऐसे रेडी हैं जैसे कुछ स्टंट करने वाले हैं। हाँ, तो हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, तो इसका क्या मतलब कैसे प्लान बना के यहाँ आकर के? बच्चे लोग बहुत दिन से बोल रहे थे, ये बच्चा है, बहुत मासूम बच्चा है, बहुत दिन से बोल रहे थे। स्माइल देखें आप, स्माइल माशाल्लाह। अच्छा, बिहारी कबाब बनाइए। अच्छा, मेरा मूड बन गया तो बना दे रहे हैं बिहारी कबाब, माशाल्लाह बना दे रहे हैं, बना के माशाल्लाह। और ये तारे जमीन पे वाला ये बच्चा इतना बड़ा हो गया यार, हम लोग के साथ में अभी हम बोले वाले थे कुछ, लेकिन हम बोले अच्छा नहीं बोल रहे हैं, बोल रहे हैं, शायद हो सकता है हमारे किसी व्यूअर्स को खाने का मन कर जाए। मसाला है और मतलब कोई स्पेशल, मतलब कुछ टिप्स मसाला बता नहीं सकते। आपने मेरे स्टैंड खोल रखा है, शेयर कीजिए। स्पेशल मसाला मेन मोहब्बत का मसाला, तो इसमें मटन है और इसके साथ मतलब क्या नहीं, मटन प्याज का, तो मटन का तो रेसिपी ही है, ऑफ कोर्स मटन होगा ही इसमें, नहीं तो उसमें मतलब क्या क्या मिक्स किया वो जानना चाह रहा हूँ। बाटा जी बताएं, बर्तन चाहिए, धनिया पत्ती है ना चाचा, बर्तन का करना है? ये लिया, ये लिया, ये बड़का वाला उसमें रखने के लिए सीखो, जिसमें सीख आ जाए। ये उधर हमारा किचन है गाइस, किचन है ये, इधर हमारे भाई लोग परेशान है फुटबॉल में हवा भरने के लिए। अल्लाह सऊदी को हयात दे, आसिकी फोर आसिकी फोर, बहुत अच्छे लोग हैं ये लोग, आइए। और एक चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये लड़कियों लड़की से बात करने वाला आदत कितना खराब होता है, मैं सबको एक गाइड करता हूँ कि भाई आप जल्द से जल्द
शादी करें, क्योंकि टाइम पे शादी होना बहुत जरूरी होता है, वरना इसका निगेटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे पड़ता है। ये देखें आशिकी का कितना बड़ा जो है इम्पैक्ट पड़ता है। ये देखें यहाँ पर हम लोग आए हैं इंजॉय करने के लिए, मटन बिहारी कबाब खाने के लिए, फुटबॉल खेलने के लिए, सिटी को छोड़ करके गांव में आए हैं गाइस। और ये देखें और यहाँ पे ये बात कर रहा है, ये है लड़कियों से बात करने का। आज एक बार फिर से मतलब डिटेल्स इसका रेसिपी जो है असिस्टेंट कुक से जानने की कोशिश करेंगे, जका बाबू से। जी बताएं ये जो बन रहा है इसको मतलब एक आम मतलब एक इजीली भाषा में आप हमारे व्यूअर्स को बताएं, ताकि अगर उनको खाने का दिल करे, क्यों गाइस आपको अगर खाने का दिल कर ही रहा होगा, ये ऐसी रेसिपी है कि मतलब ये देखने के बाद आप अपने जबान को रोक नहीं पाएंगे खाने से, तो आपको बनाना ही पड़ेगा। और बनाने के लिए थोड़ा सा आपको टिप्स दे दें कि भाई इसमें बता दें कि भाई हम लोग कैसे बनाए हैं, और अगर आपको भी अगर इससे अच्छा बनाना आता है तो आप कमेंट्स में ज़रूर अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक दे सकते हैं। तो गाइस हमारे जगह वो बताएंगे इसमें क्या क्या मिलाएं, बताएं भाई। सबसे बड़ी बात ये नॉनवेज है। ओके, तो ऑफ कोर्स ये मीट है, बिल्कुल है, तो मटन का मीट है बिल्कुल, और ये बिहार का काफ़ी ट्रेडिशनल फूड है। अच्छा, तो लोग काफ़ी पसंद करते हैं इसको, क्योंकि ये कोयले बनता है, बहुत धीमी आंच में बनता है। अच्छा अच्छा, ये अभी कोयला इसमें अभी सुलगाएंगे। आंच में बनने का फायदा ये है कि बहुत अच्छे से नरम हो जाता है। अच्छा अच्छा, डायरेक्ट कैमरा और मतलब बहुत मुंह में जाते हैं जो पिघल जाना, घुल जाना। हाँ अच्छा अच्छा, होता है तो इसके रिसीप की तरफ आते हैं हम लोग। जी मेनली इसके अंदर पपाया होता है, पपीता। ओके, वो डाला जाता है क्योंकि उससे बहुत जल्दी गले। अच्छा, मीट अपना वो गलाने का काम करता है। अगर वो अवेलेबल नहीं है शहर में तो उसकी जगह बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं थोड़ा सा। अच्छा, बेकिंग सोडा पपाया की जगह पे बेकिंग सोडा भी यूज कर सकते हैं। दूसरा इसमें गरम मसाला लाजिम होना है। अच्छा, मतलब डालना ही है, नेसेसरी है गरम मसाला। गरम मसाला, ओके, बिना गरम मसाला कोई भी मीट बनता ही नहीं। गरम मसाला वो बुका हुआ। हाँ, गरम मसाला तो मार्केट में अवेलेबल भी है। ये देखें गाइस कितना खूबसूरत, कितना प्यारा लग रहा है, और जब खाएंगे तो फिर आप मार्केट वाला गरम मसाला की बात मतलब अच्छी बात मतलब ये जो मैच नहीं कर पाता इसमें सही से, फॉर्मेलिटी के लिए थोड़ा सा वो डाल दे, और कोशिश करें कि खुद से बनाए। अच्छा, जो घर में अवेलेबल होता है थोड़ा मसाला। जी जी, गरम मसाला हम लोग यूज करते ही हैं, उसी को ले जो ग्राइंडर होता है आपके पास। सही, वो जार में उसको ग्राइंड कर ले। जी, थोड़ा सा उसमें क्या कहते हैं साबुत धनिया, जी धनिया होती है कोरिएंडर, वो डाले, गरम इलायची, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, तेज पत्ता, दालचीनी, जी लौंग, इलायची, जी जी, और एक होता है जायफल। जायफल, जायफल वो बहुत मतलब बहुत अच्छी चीज है, वो डाले इसके अंदर, और लहसुन अदरक, लहसुन अदरक का पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट, साथ में प्याज। तो अभी अगला जो प्रोसेस है गाइस वो लगभग जो है वो ये कबाब जो है वो लगभग सीख में कंप्लीट हो चुका है। हमारे शमशीर भाई हमारे आज के मेन कुक, इनके छत्र छाया में हम लोग आज काम कर रहे हैं, व्लॉग भी बना रहे हैं, साथ में हमारे सारी टीम लगी हुई है, इधर फुटबॉल भी रेडी है, और ये जका बाबू जो है वो कोयला सुलगाने का काम कर रहे हैं, आग लगाने माहिर है। आग लगाने का, जी आग लगाने में बहुत माहिर है। क्या बोल रहे हो जी, कभी लगाए थे क्या तुम्हारे पिछवा? छोड़ दो, अभी व्लॉग बना रहे हैं यार, नहीं बोलेंगे हम। पीछे एक टीम हमारी सीख में कबाब कंप्लीट कर रहा है, और ये आगे एक टीम जो है, और ये ओ यार पहले बोलना चाहिए था ना, ये स्टंट तो हमने मिस कर दिया। और ये धधकता हुआ आग, और जका बाबू का जो चेहरा है वो लाल लाल, माशाल्लाह माशाल्लाह, और आग तो पूरा धधक गया है यार। लेकिन ये है कि आग लगाने में ये एक्सपीरियंस बनता है भाई। पूरा मतलब एकदम अच्छा, बांस का, हाँ बम्बू, बम्बू का, हाँ हाँ, उसमें आग लगाने माहिर है, उसका मतलब ये है अश्लीलता नहीं फैला रहा है। तुम तो खुद में एक सीनियर हो यार, कम उम्र में बहुत बहुत ज्यादा सीनियरिटी आ गया तुम्हारे अंदर, अल्लाह इनको लंबी उम्र दे। आमीन सुम्मा आमीन, शमशीर भाई को लंबी उम्र दे। और शमशीर भाई अभी घर जाने वाले हैं 5 तारीख को माशाल्लाह। तो गाइज अगर आप अगर सऊदी अरबिया में हैं, और अगर आपको आप बिहार से हैं, तो आपके लिए एक स्पेशल ऑफर, हमारे शमशीर भाई बिहार जा रहे हैं, और अगर आपको कुछ सामान भेजना है, टूटी बूटी खैनी वैनी वगैरह वगैरह, तो भैया सलाम वालेकुम, सामान नहीं लेके जा सकते हैं शमशीर भाई, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी जो है सामान बहुत ज्यादा हो चुका है। तो गाइज अगर आप वाले को बोलना है सामान लेके जाना, मतलब उससे जान मांगना, बहुत बराबर है तुम्हें, मतलब बहुत जान की कितनी अहमियत है, बिल्कुल बहुत मुश्किल काम है, मतलब उसकी जान मांग रहे हैं आप। जी जी, कोई जान कैसे दे दे। और भाई ये जो वीडियो अपलोड करेंगे उसको अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं आप लोग। चलो इधर आओ, आओ इधर आओ। अच्छा कितनी इंच का पाइप है, कितनी इंच का पाइप है, क्या मालूम बेचारे। और ये हमारे ये सब मालूम है, ये हमारे हमाद भाई हैं, जो कहां से आए हैं भाई, अलहासा
अलहासा से आए हैं हमारे मेहमान बनके और यहाँ से भेज रहे हैं इनको हम लोग मेजबान बना के। और ये कौन सा स्टंट है भाई? ये छोटा पागल नहीं है, बड़ा पागल है, बड़ा वाला पागल है। तो हाँ, मैं क्या बोल रहा था, ये जो हमारे हमाद भाई है, ये आए थे मेहमान बन के और इनको यहाँ से हम लोग भेजेंगे मेजबान बना के। और इनका 124 का गच्चा लगा था ना मेजबान बनने के चक्कर में। और शमशीर भाई का एक चीज हमें ये बहुत अच्छा लगता है कि जब भी ये कोई काम करते हैं बहुत सीरियस होकर काम करते हैं, बहुत शिद्दत से करते हैं। और यही वजह के काम भी माशाल्लाह बहुत, अभी देखें ये जो कबाब बन रहा है ना, ये बनने के बाद जब हम लोग खाएंगे तो वल्लाह इनके हाथ चाटेंगे, चूमेंगे, जो भी आप बोल रहे हैं। मतलब फाइनली हमारा सारा कुछ हो चुका है और ये कोयला भी सुलग चुका है, आग भी मतलब आ चुका है। और अभी फाइनली जो है हमारे जगह भाई जो है लुंगी पहन चुके हैं, चूंकि उनका ट्राउजर जो है वो थोड़ा सा जल गया था। और ये देखिए इसका जो चिंगारी किस तरीके से उड़ रहा है, शमशीर भाई थोड़ा हलक रहे हैं कि भाई उनका भी पैंट ना जल जाए। और ये पीछे से सारे लोग एक पे एक कबाब लेके हाथ में खड़े हुए हैं। और जब भी वीडियोज बनाने की बारी आती है हमारे हमाद भाई जो है वो सामने में आ जाते हैं, बाकी टाइम में वो पर्दे के पीछे होते हैं। तो गाइज ये आप देख सकते हैं, ये हमारे शमशीर भाई बहुत ही मेहनत किया इन्होंने यार आज। इनके माथे पे जो पसीना, इनके बॉडी के अंदर का भी जो पसीना, वो मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि वो डोंट अलाउ, लेकिन माशाल्लाह कबाब बहुत प्यारा लग रहा है। अभी बनने से पहले इतना मेरा दिल कर रहा है कि अभी मैं इसको लेके खा जाऊं। तो गाइस ये छह पीस रखो, पेटा था ये एक बार में छह पीस नहीं छह पीस नहीं रखो यार, गैप भी होना चाहिए ना हवा लगने के लिए। ओ नहीं नहीं, ये देखें एडवाइस कानून सब करने हमारे पास होना चाहिए, हवा लगना चाहिए, हमारे पास लीगल एडवाइजर है भाई। छह पीस बच्चे पीस नहीं, छह पीस कहा, छह लोग हैं, सात पीस रखो भाई, कम से कम आए एक ठाकुर ना खाएंगे का ना, ही तो बेकार हो जाएगा फिर मजा। सात डालना, देखिए ये भी डालना ठाकुर, मजा नहीं एक बार बना के खाएंगे गाइस। ये हमारी पूरी टीम आप देख सक रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे हम, वो हमारा स्लीपिंग रूम है, मजलिस जिसको हम अरबी में बोलते हैं, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे कंटिन्यूस जो है वो गोश्त। तो इसलिए यहाँ पे मैं सब गोल का भूसी एक आता है वो पानी में मिक्स करके इसे हम लोग तो नहीं, मैं स्पेशली अपने लिए बनाया हूँ क्योंकि पेट बहुत ज़्यादा एसिडिटी पेट में बन रहा है, क्योंकि अभी लगातार जो है वो नॉन वेज खा रहा हूँ, तो इस वजह से जो है थोड़ा सा पेट का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है गाइस। दुनिया से अलग सबसे बेहतरीन झलक, सबसे बेहतरीन झलक, मुस्कुराता हुआ चेहरा। ये मोबाइल का जो जमाना आया, बहुत सारे लोग अपने आप में बिजी हैं यार। यहाँ पे अगर एंजॉय करने के लिए आए तो एंजॉय करें, इसके बाद फिर हम लोग स्विमिंग पूल में जाएंगे नहाने के लिए। गाइस इस वक्त रात में बहुत ठंड पानी होगा, तो वो भी मैं आपको दिखाने की कवर करने की कोशिश करूंगा। ये क्या बहुत मजा। तो गाइस अभी जो है हमारा कबाब जो है, ये कौन सा कबाब था? मटन बिहारी कबाब। तो ये अभी बनके रेडी हो चुका है और ये सलाद भी है माशाल्लाह, और ये सलाद भी हमारे शमशीर भाई ने काटा है जबरदस्त। और ये देखें साउथ के हीरो लग रहे हैं यार माशाल्लाह, शमशीर भाई तो हमारे साउथ के हीरो। और ये हमारा ठंडा नहीं हुआ है, ये शमशीर भाई हमारे हाथ में नमक, गले में ब्लूटूथ, जबरदस्त। और ये कबाब जो हमारा रेडी हो चुका है गाइस, और बस अब हम लोग खाने की तैयारी कर रहे हैं और खाने के बाद आपको बताएंगे कि इसका टेस्ट कैसा था और कैसा लग रहा भी ये आपको दिखने में, और इसका टेस्ट कैसा होगा वो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और ये जो पेप्सी आप देख रहे हैं कोल्ड ड्रिंक, ये कम से कम इस्तेमाल करें, ना करें तो बेहतर है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं पसंद करते हैं इसे। और ये सलाद, कबाब, साथ में रोटी, माशाल्लाह बहुत ही, इसकी जो स्मेल है, खुशबू है माशाल्लाह बहुत ही अच्छा, इसका खुशबू आया है और बहुत ही अच्छा मतलब बना है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही टेस्टी बना है गाइस। ये सारा क्रेडिट जो है हमारे शमशीर भाई, माशाल्लाह बहुत मेहनत किया उन्होंने, तो सब खाने जा रहे हैं हम लोग। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस व्लॉग, एंड कुछ भी इम्पोर्टेंट फीडबैक आप ज़रूर दें। ये देखें सबसे तेज हाथ बढ़ाते हुए हमारे, अरे आपको नहीं बोल रहे शमशीर भाई, आप हड़क रहे हैं तेज हाथ बढ़ाते हुए हमारे शमशीर भाई। और ये पैंट के कमर को
और इधर नौशाद भाई पेट के डाइजेशन सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए सलाद बना रहे हैं। प्लेट का की है? प्लेट था? अबे इधर का कुछ गिरा है, का पानी रोटी नहीं, ये उड़ी, वो ये है ना, नीचे पानी था। अबे पानी नहीं था, अबे वो गोश्त का सालन गिरा है। गोश्त कहां से आएगा? इधर बिल्ली इंतजार में है कि हम लोग खाना स्टार्ट करें तो फिर उसे इसको उठा पूरी को छोड़ो। हां बोल नहीं तो घुटने में गिर जाएगा। तुम देखा वो कपड़े इधर लाना है, तुम बैठो कर भी इधर धरता हो इस कबाब पराठा खाने के बाद अब हम लोग जो है चाय, ये देखें ये जो कोयला जो बच गया था तो हमारे जका भाई जो है चाय का इंतजाम कर रहे हैं। मिल्क की ये जो है चिल्ड वाटर है, सील्ड एकदम। अच्छा सील्ड, हाँ ओके ओके। तो अभी ये चाय बन रहा है, चाय हम लोग पियेंगे और इधर जो है हमारे सारे टूरिस्ट ये हाँ भाई इंडियन की शान है, बगैर चाय का जो है, बगैर चाय का इंडिया में सवेरा ही नहीं होता है, रात भी नहीं होती। इधर छिपकली है, इधर मगरमच्छ, इधर छिपकली, मगरमच्छ और छिपकली।